हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है एक वीडियो आज के डेट में आ चुकी है प्राज इंडस्ट्रीज जहां पर एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा और और है तो एक लंबा कंसलडेशन भी हो चुका है तो चीजें भागती हुई नजर आ सकती है इसी हिसाब से एक और स्टॉक से आज के दिन की जो स्टॉक्स है उससे बातें करेंगे जिसका नाम है श्रीराम सिटी यूनियन एज वेल एज श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो की हमने अगर आपको यहाँ पर पता होगा तो दो तीन दिन पहले यहाँ पर वीडियो बनाई थी यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज श्रीराम सिटी यूनियन एंड श्रीराम मर्जर श्रीराम ट्रांसपोर्ट शुड ई वी बाय एनी स्टॉक्स मतलब दोनों के बारे में मैंने बताया था ऑपरेटर कर सकते हैं खेल तो यहाँ पर मैंने साफ लिखा था कि ऑपरेटर कर सकते हैं खेल का मतलब क्या था यही था कि एक अच्छी खासी गिरावट हो सकती है जो तो की मैंने आप यहाँ पर वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया भी था क्योंकि पिछला एक एग्जाम्पल था उसी एग्जाम्पल को मैंने लेके इसके बेस पे यहाँ पर वीडियो बनाई थी और वैसे ही होता हुआ नजर आया अगर हम यहाँ पर देखते हैं श्री राम ट्रांसपोर्ट तो एक अच्छी खासी गिरावट उस दिन के बाद से जिस दिन से न्यूज आई है यहाँ पर लगातार गिरावट होती हुई नजर आई है इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें श्री ट्रांसपोर्ट की श्री श्रीराम सिटी यूनियन की तो वहां पर भी देखेंगे एक अच्छी खासी गिरावट ऊपर पहले शेयर को भगाया तेईस सौ रुपए तक के ले गए उसके बाद से यहाँ पर लगातार एक गिरावट तो क्या हमें शेयर बेच देना चाहिए क्या करना चाहिए या फिर अब एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जानते हैं स्टॉक से रिलेटेड बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके सपोर्ट करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक वीडियो को लाइक कर जरूर कर दिया करें और लाइक करने के बाद दूसरी वीडियो को भी देखा करें सीखा करें लास्ट तक बने रहे करें क्योंकि सीखने सीखने का कोई पैसा नहीं है और मार्केट में अगर नहीं सीखा तो याद रखिएगा वो अभी जमाना गया जो एक साल पहले था जहाँ पर पैसे आप किसी में भी डाल रहे थे ओके okay, गधे घोड़े एक साथ दौड़ रहे थे और गधे भी जीत रहे थे घोड़े को पीछे करते हुए जीत रहे थे तो अब वो जब गया अब नॉलेज काम आएगी नॉलेज के लिए सीखना पड़ेगा और सीखने के, के, लिए या तो आप हमें यहाँ पर हम वीडियोज को देख के सीख सकते हैं या सिंपली आप हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं और जो हमारा टारगेट है कि टेन लाख रुपीज को किस तरीके से वन करोड़ रुपीज विद इन ट्वेंटी ईयर्स करना है तो उसको फॉलो करते हुए हम चलते हैं और उसी को फॉलो करते हुए चलने पर हमें ऐसे अच्छे मिलते हुए नजर आते हैं कि हमारा टारगेट अचीव होता हुआ सुनर और लेटर नजर आता ही है तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं आगे बढ़ते और है, जानते हैं चीजों से रिलेटेड तो सबसे पहले बात करेंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट की श्रीराम ट्रांसपोर्ट और सिटी यूनियन आपने देख ही लिया कि सिटी यूनियन में ट्रांसपोर्ट का श्रीराम ट्रांसपोर्ट में मर्ज होने वाला है क्या श्रीराम सिटी यूनियन ओके okay, आपको शेयर उसी के रेशो में मतलब 100 शेयर है तो डेढ़ सौ शेयर यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट के तो काफी लोगों ने कहा बल्ले बल्ले काफी लोगों ने कुछ कहा काफी लोगों ने कुछ कहा हमने यहाँ पर एक वीडियो बनाया और आपको बताया कि चीजें गिर सकती है क्यों गिर सकती है क्योंकि एक एग्जाम्पल था हमें हमारे पास टाटा स्टील बी एस एल का उसके और किस तरीके से वहां पर चीजें कंसोलिडेट कर रही थी चीजें गिरती हुई नजर आ रही थी कुछ सिचुएशन ने काम किया था कुछ यहाँ पर न्यूज ने काम किया था तो यहाँ पर चीजें गिरती हुई नजर आई थी और तो इसी का एग्जाम्पल देते हुए हमने यहाँ पर आपको चेताया था कि चीजें यहाँ पर गिर सकती है तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं एक धोखा भी हो सकता है तो अभी इन्वेस्टमेंट करिए अदरवाइज हमने सबसे पहले यहाँ पर वीडियो बना के आपको बताया था कि यहाँ पर शेयर भागेगा तो यहाँ पर देखिए शेयर भागा था तो बार बार आपको वीडियो बना के हम

मिड कैप कंपनियां बारह हजार दो सौ बयासी करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है ग्यारह के पी पे यहाँ पर शेयर मिल रहा है और यहाँ पर डेट की बात करें जितना डेट यहाँ पर बढ़ेगा उतना ही इनके लिए अच्छा है क्योंकि उतने ही इनके इनको इंटरेस्ट के रूप में यहाँ पर पैसा मिलता है वो नजर आएगा यहाँ पर अगर देखें इंटरेंसिक वैल्यू तेईस सौ छत्तीस रुपये के आसपास है और शेयर पी यहाँ पर अठारह सौ कुछ पे ट्रेड कर रहा है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एक तरीके से कह सकते हैं छब्बीस सौ से शेयर अठारह सौ पे ट्रेड कर रहा है तो एक अच्छी खासी गिरावट भी हो चुकी है मैक्सीम चार्ट पैटर्न की बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफी बेहतरीन है बट बीच में हर्डल्स आते रहते हैं उस को जो यहाँ पर टॉलरेट करेगा उसे रिवॉर्ड में हो यहाँ पर किसी ने बेचा होगा तो यहाँ पर सात सौ रुपए पर चलती रहती है तो यहाँ पर, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी तो बन सकती है उस टाइम नहीं बन रही थी उस टाइम चीजें ऊपर जा रही थी मैंने आपको बताया था रुक जाइए अब यहाँ पर गिर गया तो एक अपॉर्चुनिटी है क्यों बन रही है हाईएस्ट एवर यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट आ रहे हैं रेवेन्यू हाईएस्ट एवर

अभी भी मैं यहाँ आप पर आपको क्या सजेस्ट करूंगा बाय डेप्स क्यों क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी अभी थोड़ी बहुत गिरावट कितने तक की अठारह साढ़े सत्रह सौ से अठारह सौ की गिरावट यहाँ पर हो सकती है शेयर यहाँ पर आपको ये अट्ठारह सौ के लेवल पे भी आके मिल सकता है और इसके अलावा शेयर यहाँ पर आपको सोलह सौ सतहत्तर रुपए तक भी मिल सकता है तो एक सपोर्ट बेहतरीन यहाँ पर नजर आता है बट यहाँ पर से चीज़ें रिवर्स भी हो सकती है तो बाई ऑन डिप्स क्या करना है बाई ऑन डिप्स यहाँ पर करना है कुछ शेयर यहाँ, यहाँ पर खरीदने हैं तो कुछ शेयर नीचे खरीदने वो आपके आपकी खुद की स्टडी तो यही चीजें हम यहाँ पर बताते कि कैसे शेयर खरीदने यहाँ अगर पैसे सारे लगा देंगे तो नीचे गिरेगा तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी क्यों क्योंकि यहां पर शेयर थोड़ा सा और गिरता हुआ मुझे यहां पर नजर आ रहा है मार्केट के हिसाब से भी गिरता हुआ नजर आ रहा है और वैसे भी गिरता हुआ नजर आ रहा है थोड़ा सा यहां पर शेयर रिट्रेस हो सकता है थोड़ा सा शेयर यहां पर गिर सकता है उसके लिए भी प्रिपेयर रही है बट उसके बाद जो रिटर्न मिलेंगे वो रिटर्न आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे आज के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो लगभग लगभग चालीस के रिटर्न मिलते हुए नजर आ रहे हैं बट यहां पर ये चालीस नहीं और ज्यादा रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे तो आपको वेट करना होगा और यहाँ पर उससे पहले ही ये शेयर शायद पर आ, आ, मर्ज हो जाए किसके साथ श्रीराम सिटी यूनियन के पास साथ तो उस श्रीराम ट्रांसपोर्ट के साथ तो उस केस में आपको शायद उस तरह ये शेयर ऊपर ज्यादा भागता हुआ ना दिखाई दे सब श्री राम ट्रांसपोर्ट की बात करना फिर जरूरी रहेगा तो हम बात कर लेते हैं अब श्री राम ट्रांसपोर्ट की तो यहाँ पर आप किसी पर भी खेल खेलिए दोनों शेयर यहाँ पर बड़े नजर अच्छे नजर आते हैं बट कौन सा शेयर यहाँ पर अच्छा है उससे रिलेटिव भी बातें कर लेते हैं सबसे बात करते हैं मेन पॉइंट की कि जब ये शेयर सिटी यूनियन के मिलेंगे तो डेढ़ शेयर आपको श्री राम ट्रांसपोर्ट के मिलेंगे ट्रांसपोर्ट एक बेहतरीन शेयर है ओके okay, बताने की जरूरत ही नहीं है आपने नाम सुना होगा आपने यहाँ पर इसके बड़े बड़े पोस्टर्स देखे होंगे इनका बिजनेस मॉडल समझा होगा प्रोडक्ट्स की बात करें तो कमर्शियल बिजनेस लोन डिपॉजिट वर्किंग कैपिटल लाइफ इंश्योरेंस इमरजिंग से रिलेटेड सारे के सारे काम करते हैं टू व्हीलर एम एस एम लोन एज वेल एज कैपिटल जो भी जो मर्जर होगा कैपिटल का भी इसका मर्जर होता हुआ नजर आएगा तो एक बड़ा ग्रुप बड़ा यहाँ पर सब चीज होती हुई नजर आएगी चीजें यहाँ पर अच्छी खासी होती हुई नजर आएगी जो की ऑलरेडी अच्छी हो ही रही है तो यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट कैप चौतीस का है फिर ट कैप और बढ़ता हुआ नजर आएगा पी यहाँ पर चौदह के पी के आसपास यहां यहाँ पर यह शेयर मिल रहा है उस टाइम और थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है आर ओ सी यहाँ पर इतना ही रहता है जितना डेड बढ़ेगा उतना पैसा मिलेगा एज वेल एज अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हाई कितना बनाया है इसने हाई बनाया है सत्रह के आसपास शेयर यहाँ पर दोबारा नीचे आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस वैल्यू भी टेन की है तो आगे चल के आपको स्प्लिट भी मिलता हुआ नजर आ सकता है बेहतरीन शेयर है ऊपर हमेशा ऊपर ही जाता है बट लोन का काम है ओके जितने यहाँ पर कभी कभी हड़डेस आते रहते हैं और जितनी गिरावट होती है उसके बाद शेयर इतना भागता भी है शीट को आप यहाँ पर देख सकते हैं तो दोबारा यहाँ पर एक गिर रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी नजर आती है थोड़ा सा टाइम लगेगा बट चीजें भागती हुई नजर आएगी रेवेन्यू की बात करें हाएस्ट एवर रेवेन्यू आया हाइएस्ट एवर प्रॉफिट आया है तो ये दोनों चीजें आपको क्या बताती है ये चीजें पर जो खराब होती नजर आई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक वो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है और अब कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है पिछले अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इस इस ईयर को अगर हम छोड़ देते हैं तो सारा के सारे ईयर में काफी बेहतरीन हाँ प्रॉफिट आया रिवेन्यू यहाँ पर देख सकते हैं कंसिस्टेंटली ग्रोथ हुआ है फोर टाइम्स यहाँ पर कंपनी हो होगी नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं यहाँ पर थ्री uh, टाइम्स यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता हुआ नजर आ रहा है रिजर्व यहाँ पर बढ़ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अच्छे खाते रिजर्व है जितने रिजर्व होंगे उसके बेस पे बोनस भी मिलता है बोरइंग जितनी बढ़ेगी उतना जितना उतना अच्छा है यहाँ पर देख सकते एक लाख आठ हजार नौ सौ अट्ठाईस करोड़ की बोराइंग है तो मतलब कंपनी काफी बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रही है इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है कैश की बात करें कंपनी के पास कैश भी यहाँ पर अच्छा खासा नजर आ रहा है और अभी जब चीजें अच्छी खासी होंगी तो उसका कैश भी दूसरी कंपनीज का कैश भी यहाँ पर एड होगा रिजर्व भी एड होगा बॉरिंग भी एड होगी तो सब चीजें एड होके आपको शेयर मिलेंगे तो और चीजें अच्छी नजर आएगी कैश फ्लो की बात करें अच्छा खासा कैश फ्लो है आरोशी, आरोशी, आर, आर, आ, आरोई की बात तेरह परसेंट का आरोई है। गिरता हुआ नजर आ रहा है बट चीजें धीरे धीरे यहाँ पर ठीक हो रही है यहाँ पर देख सकते हैं प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी 25.1 से 25.58 परसेंट करी थी एफ की बात करें 53 परसेंट की है एफ की होल्डिंग है मतलब यहाँ पर एफ ने थोड़ा सा माल बेचा था जो यहाँ पर इन्होंने बेचा था डीआईएस ने यहाँ पर खरीद लिया था अब तो और पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास थोड़ी सी सजारी बढ़ी है तो लगभग छह परसेंट की सजारी पब्लिक के पास भी है तो कहने का मतलब क्या है कि चीजें बिग जरूरी है बग बिछने के बाद कौन ले रहा है अच्छे यहाँ पर ग्रुप ही ले रहे हैं तो नॉर्मल पब्लिक के पास चीजें नहीं जा रही है तो समझने की ज़रूरत है कि श्री राम ट्रांसपोर्ट एक बेहतरीन यहाँ पर अब रोल प्ले करेगा क्यों प्ले करेगा क्योंकि यहाँ पर ये यह सब चीज जब हो जाएगा डी मर्जर और ये मर्जर जो भी होना है ये एक होने के बाद चीज़ें अच्छी और बेहतरीन होती हुई नजर आएगी प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा ओके कंपनी और ज्यादा यहाँ पर एग्रेसिवली काम करती हुई नजर आएगी और अच्छा खासा यहाँ पर जो प्रॉफिट अभी हाइस्ट एवर आ रहा है वही

हाँ पर पर रुपए तक भी आ सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो शेयर हाँ पर थोड़ा सा बारह सौ चालीस तक भी आ सकता है तो दस बीस पचास सौ रुपए की यहाँ पर गिरावट हो सकती है उसके लिए भी प्रिपेयर रहना एज वेल एज एक बेहतरीन यहाँ पर रैली के लिए भी प्रिपेयर रहना और अच्छा खासा शेयर आ चुका है बाय ऑन डिप्स करने का मौका है अगर आप इसका अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे तो अच्छा खासा पैसा आपका यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा सबसे पहले कितने टारगेट की बात करते हैं सबसे पहले टारगेट यही है जो यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन अब हो चुका है कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर चीजें देखिए यहाँ पर भागती हुई नजर आई थी दोबारा यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद चीजें दोबारा भागेंगी तो यहाँ पर टारगेट की बात करें तो बत्तीस के टारगेट में ये और इससे पहले यहाँ पर टारगेट की एक और बात करूं तो यहाँ पर ये

कप बनाने के बाद यहां पर हैंडल बना के ये चीजें ऊपर जाती हुई नजर आई थी और यहाँ पर जो टारगेट नजर आ रहे थे वो टारगेट कितने नजर आ रहे थे वही सेम टारगेट दोबारा यहाँ पर अप्लाई होते हुए नजर आएंगे एक मिनट दे दीजिए मुझे तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके okay? यहाँ पर सारे के सारे रिजल्ट अच्छे खासे आ रहे हैं इकोनॉमिक दोबारा इकोनॉमी हमारी दोबारा लाइन पे आती हुई नजर आ रही है जब सब चीज अच्छी नजर आ रही है तो टारगेट भी अचीव होंगे अठारह अठारह अट्ठाईस रुपए का यहाँ पर टारगेट आ रहा है जो कि सबसे पहले 20% का फिर उसके बाद 32% का और उसके बाद की बात 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 करें तो लगभग कितने परसेंट का 43% का टारगेट 43 हमारा पूरा साल का टारगेट होता है कि 40% का टारगेट आ जाए तो 40% की सीएजीआर आ जाएगी 40% की सीएजीआर आ जाएगी मतलब 10 लाख रुपीस वन uh, थाउजेंड करोड़ रुपीज में कन्वर्ट हो जाएंगे विद इन अ ट्वेंटी ईयर तो इतना पैसा हमें बनता हुआ नजर आएगा तो अगर आप स्ट्रेटेजी से काम करेंगे तो थोड़ा सा अगर रोल लंबा टाइम का थोड़ा सा वेट करेंगे एक साल तो एक साल में ये टारगेट अचीव होंगे बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना चीजें दोबारा नीचे अच्छी आ गई है सिटी यूनियन uh, की जगह ट्रांसपोर्ट पर नजर रखना है यहाँ पर ये चीजें और बेहतरी नजर आती है रिजल्ट से पहले पहले अच्छी खासी शेयर थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे भागी गई तो यहाँ पर बाई ऑन डिप्स कर सकने की रणनीति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा uh, हमारी कोई हेल्प चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पर आपको नंबर मिल जाएगा यहाँ पर आप हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अदरवाइज हमें कमेंट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस